छोटी सी बात है बा, कोई भी औरत ये नहीं चाहेगी कि उसके पति की पहली पत्नी उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। तू इसलिए संतु ने ये छोटी सी हरकत, बस कर दू, देख रहा हूं कि बिना सोचे समझे तुम कुछ भी बोले जा रही। ये मत भूलो कि संतु हमारे साथ इतने समय से रह रही, और हम सब जानते हैं कि संतु के मन में ऐसी कोई बात नहीं, तू ऐसा क्यों करेगी? कद्दू, मेरा यकीन करो, ऐसा नहीं किया है। एक आदमबरी, अबे जवाब देना, बात हो जाती है भूल कभी कभी, बात को आगे क्यों बढ़ा दी? संतोड़ी, रो क्यों रही है? मैं सच कह रही हूँ मालिक, मेरी मालकिनी की तस्वीर पर वो हार नहीं चढ़ा है। मैं जानती हूँ मुझे ध्यान रखना चाहिए था कि अगर कोई ऐसी हरकत करे तो मैं उसे रोकूं। मैं नहीं जानती है किसने किया, और उस पर कद्दू ने मुझे, बस बस शांत हो जा भी, मुझे खबर है कि तू ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें वो हार तूने नहीं डाला। मालिक, अगर आप जानते थे तो फिर आपने सबके सामने, जो हमारी बात समझ, जीवन है ना इतना सरल नहीं होता, बे अने बे चार नहीं होते। अबे मैं मानता हूं कि धर्मराज मैयावंशी का कर्तव्य है कि न्याय की कुर्सी पर बैठकर निष्पक्ष न्याय करूं, और सोच है कि कभी कभी पक्ष लेना पड़ता है, नहीं लो तो विवाद आगे बढ़ जाता है। अबे मैं जो नीचे बोलता कि तूने नहीं डाला तो कादंबरी मान जाती, पर फिर उसको यह बताना पड़ता ना कि वार किसने डाला, इतने विवाद होता घर में, इतला माटे समझी मारी बात? जी। 100 बात नहीं, 1 बात, मुझ पर विश्वास है तुझे तो तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अरे चलने, अबे सब कुछ समझाया ना तुझे, अबे मोड़ा फुला के क्यों खड़ी है? चल जरा हंस के बता, चल।